दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण, अर्थात इसका अर्थ यह हुआ अब जो रैखिक समीकरण युग में डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा और उसको हम रैखिक समीकरण में बदल कर तब हल करेंगे। ऐसे समीकरणों के युग्मों के बारे में चर्चा करेंगे जो रैखिक नहीं है लेकिन उन्हें रैखिक समीकरणों के रूप में बदला जा सकता है। जैसे वो अब उदाहरण से क्लियर होगा, एक एग्जाम्पल से समझिए कि निम्न को हल करना है, 2x + 3y = 13 और 5x - 4y = -2। रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 के रूप में होता है, उस तरह से है नहीं तो रैखिक नहीं है, तो हल कैसे करेंगे? तो पहले इसको हम रैखिक में चेंज करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। इसको लिख सकते हैं, अब हल यहाँ देखिए 2 और 2x को 2 पहले लिख लिए, into 1x लिख सकते हैं, +3(1/y) = 13, 5(1/x - 4)(1/y) = -2, समीकरण नंबर 2। इसको रैखिक रूप में बदलना है, ये रैखिक रूप में नहीं है, रैखिक रूप होता है ax + by + c के रूप में नहीं है। तो क्या करेंगे, 1/x को p मान लिए और 1/y को q मान लिए, और जहाँ 1/x है वहाँ p रख दिए और जहाँ 1/y है वहाँ पर q रख दिए, तो ये दोनों समीकरण चेंज होकर हो जाएगा 2p + 3q = 13 और 5p - 4q = -2। अब इस तरह समीकरण को हल करना जानते हैं, इसका एक पद p या q को बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए 3 में 5 से गुणा कर दे रहे हैं और 4 में 2 से गुणा करने पर p वाला टर्म्स इक्वल हो जा रहा है, तो घटाने पर जानते हैं चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब माइनस है तो प्लस, ये 10p से 10p कैंसिल हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे 23q = 69, q = 23 से कट जाएगा, q की वैल्यू आ गया 3। अब देखिए q का मान 3 समीकरण नंबर 4 में रखने पर 4 है, 5p - 4q, q का मान आया 3, तो उसके जब 3 रख दिए -2, तो 5 = 2, ये -2 पहले से इधर जाएगा, तो 4 + 3 = 12 हो जाएगा, तो 5p = ये प्लस है और ये माइनस है, तो +10 हो जाएगा, तो p = 5 से कटने वाला है, 5 नीचे हो जाएगा, 5 × 10 p की वैल्यू आ गया 2। अब p तथा q के मानों को जहाँ पर p और q माने थे वहाँ पर रख देंगे, तो 1/x को p माने थे और p का मान आया है 2, तो x की वैल्यू यहाँ से हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2 और 1/y = 3 या y = हो जाएगा 1/3। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल्स है,